हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री तथा नेता समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे बयान देते रहते हैं, जिससे देश का बहुत सम्मान बढ़ता है। वो इस प्रकार के बयान देते हैं कि अगर आज जेपी जी जिंदा होते तो वो शर्म के मारे मर जाते हैं, और ये लोग अपने आप को समाजवादी बोलते हैं। अफसोस है इनकी मानसिकता पर। और आजम खान जी, अगर आप ये सोचते हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य देकर आप सेना का मनोबल तोड़ देंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आपके इन तुच्छ बयानों को इस देश के जवान कान के अंदर तक नहीं घुसने देते हैं। इधर से निकालने की बात तो दूर छोड़िए। और आप इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। क्या इस मानसिकता का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है दोस्तों? इनको लगता है कि इस देश में इनसे महान इंसान कोई नहीं है, परंतु इस इंसान से ज़्यादा बेवकूफ, नकारा, निकम्मा इंसान कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। इतना गिरी हुई हरकत इस देश का कोई भी नेता नहीं करता। जिस प्रकार की भाषा का इसने भोंडा प्रदर्शन किया है, आजम खान जी, इस तरह की वारदातें फौज में रुक सकती हैं। आपका बेटा है, उसको फौज में भर्ती करा दीजिए, और फिर आपको असलियत पता लग जाएगी कि फौज क्या करती है। है तुम्हारी जी में गुदा है तो करो, भेजो। जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ पे भर्ती सेंटर हैं, उसको भर्ती सेंटर में भेज दीजिए, फिर पता लग जाएगा कि भारतीय फौज क्या करती है। ठीक है, समाजवाद के दल्ले बनते हो और समाजवाद का पता नहीं है। जेपी जी ने कभी भी इस देश की फौज के ऊपर इस प्रकार का भद्दा कमेंट्स नहीं किया, यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी। और आप अपने आप को समाजवादी कहते हो, तुम तो उन लोगों के भी नेता कहलाने के लिए लायक नहीं हो जिनका आप दम भरते कि मैं उनका नेता हूं। आपने केवल फौज को नहीं, आपने वीर अब्दुल हमीद को गाली दी है। आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति थे, जो सेना के सुप्रीम कमांडर थे, आपने उनको गाली दी है। और भी बहुत से जो मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे देश के सेना के अंदर हैं, उनको गाली दी है। कम से कम उनसे तो पूछ लेते भाई। ठीक है, माना कि आप दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनसे तो कर लीजिए, अपने बच्चों को भेज दीजिए, अपने भतीजे, भतीजी, भांजे, भांजी, उनको फौज में भेज दीजिए। और उनको कहिए, जाइए भैया, रेप रोकिएगा आप लोग। कोई कोई रेप करता है तो उसके मोरे को बताइए, मैं उसको रोकूंगा। है हिम्मत आप में? वहां जी में डी नहीं होगा आपकी। हैं, दूसरों के घरों में ही सोचते हो, भगत सिंह हो, अपने घर में भगत सिंह पैदा करते हो, फटती है। अगर आपको जवानों से इतनी एलर्जी है, इतनी नफरत है, तो मिस्टर आजम खान, आप अपनी सुरक्षा में लगे हुए जवानों को तुरंत सरकार को वापस कर दें। आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो जवान भी वही हरकतें कर दे जैसा आपने जवानों पर आरोप लगाया है। आपके परिवार में हो सकता है ना ऐसा? आप 24 घंटे तो घर में नहीं रहते होंगे,
वहां भी सुरक्षाकर्मी लगे होंगे, क्यों है ना? वो नहीं छोड़ेंगे आप, उन पर आपको यकीन है? कभी आप बोलते हैं कि जे एंड के इस देश का पार्ट नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, हैं? मतलब क्या इस देश की सरकार, इस देश की जनता उसके अनुसार चलेगी जो आप तय करेंगे? कौन हैं आप? आप 5 साल तक पावर में रहने के बाद, 5 साल क्यों, आप तो 10 साल 15 साल रह लिए पावर में, क्या किया है आपने, क्या उपलब्धि है आपकी? ढाक के 3 पात, गरीबों को और गरीब बना दिया और खुद मालामाल हो गए अल्पसंख्यकों के नाम पर, और चले हैं भड़काने के लिए यहाँ लोगों को, घटिया मानसिकता का घटिया आदमी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप इस देश की जनता और इस देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा सकते मिस्टर आजम खान। गो टू हेल्थ।